हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज तिवारी। आप सब देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें हमें शायद ही पूरी दुनिया में कोई बीट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही सुन रहे हो, जिसमें हमें शायद ही कोई बीट कर सकता है पूरी दुनिया में। यहाँ तक कि जो बड़ी से बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि US, UK, जापान, फ्रांस जैसी कंपनी भी हमें इस सेक्टर में पीछे नहीं कर पा रही है। दोस्तों, पीछे करने की बात को तो छोड़ ही देते हैं, इनकी मोर देन 40% की नीड को हमारा ये सेक्टर पूरा करता है। शायद इसीलिए पूरी दुनिया में हमें इस सेक्टर में किंग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री को लेकर हम इंडियंस की एक अलग ही पहचान, एक अलग ही रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, हम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स इन वर्ल्ड में आते हैं। तो दोस्तों, क्यों पूरी दुनिया हमें किंग ऑफ फार्मा इंडस्ट्री के नाम से जानती है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने देखा और सुना होगा, कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया में हर चीज़ को लेके क्राइसिस चली थी दोस्तों, चाहे वो फूड हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो। दोस्तों, हर चीज़ों को लेके क्राइसिस चल रही थी। दोस्तों, इंडिया में भी बहुत सी क्राइसिस हो रहे थे, हम भी बहुत परेशान थे, हमारे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बट दोस्तों, अकॉर्डिंग टू देम हम बहुत अच्छा परफॉर्म्स किए, बहुत ही अच्छा स्टेबल में थे हम। और दोस्तों, वैक्सीनेशन की जो रेस चल रही थी पूरी दुनिया में दोस्तों, उसमें भी हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाया, और सेकंड पॉपुलेशन कंट्री होने के बाद भी हमने अपने सारे लोगों को वैक्सीनेशन दी, और पूरी दुनिया में भी हमने अपने वैक्सीनेशंस दिए जिससे लाखों लोगों की जान बच पाई। शायद इसीलिए पूरी दुनिया हमें किंग ऑफ फार्मा इंडस्ट्री के नाम से जानती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये तो हो गए कोविड 19 के टाइम की बातें। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि पूरे ग्लोबल मार्केट में हमारा इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कितने परसेंट का एक्सपोर्ट करता है, और उससे हमें और हमारी कंट्री को और हमारी GDP को क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, उसको मोर देन 70% इंडिया पूरी करता है। दोस्तों, मोर देन 70% की रिक्वायरमेंट को इंडिया पूरी करता है। दोस्तों, मोर देन 20% की जेनरिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है दोस्तों, और मोर देन 200 कंट्रीज़ को हम दवाइयाँ सप्लाई करते हैं दोस्तों, जिसमें से कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहां पर हम मोर देन 50% से ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, जैसे कि अफ्रीका दोस्तों, जिसमें हम मोर देन 50% से ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करते हैं वहां पर, USA दोस्तों, जहां पर हम मोर देन 40% से ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, और UK दोस्तों, जहां पर हम 25% से ज़्यादा दवाइयाँ सप्लाई करते हैं। तो शायद इसीलिए हमें किंग ऑफ फार्मा इंडस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, इंडियन GDP में कितने परसेंटेज का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, ईयर ऑन ईयर हमें क्या ग्रोथ देखने मिल सकती है, और आने वाले 5 से 7 सालों में हमें फार्मा इंडस्ट्री कहाँ देखने मिल सकता है? तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डाटा, फार्मा इंडस्ट्री का 1.72% का कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन GDP में, जो कि आने वाले समय में 5 से 7 सालों में 5 to 6% तक जा सकता है। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहता है द ग्लोबल फार्मा मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आप सब सही सुन रहे हो, 5 से 6% की ग्रोथ हमें देख सकती है आने वाले 5 से 7 सालों में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, 2021 में फार्मा इंडस्ट्री ने $42 बिलियन की टोटल कमाई की। अकॉर्डिंग टू दैट दोस्तों, जो हमारी करंट वैल्यू है फार्मा इंडस्ट्री की, वो है $50 बिलियन की, जो कि आने वाले 5 से 7 सालों में दोस्तों $130 बिलियन की हमें देखने मिल सकती है, ऐसा कहना है द ग्लोबल फार्मा मार्केट का। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम आगे अपने सेटअप पर, और हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जिस पे हमने लगा रखा है 1 डे का चार्ट, जिसके साथ हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेजेस 30 डे और 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेजेस। दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं, सन फार्मा में हमें पिछले कुछ हफ्तों में बहुत ही शार्प मूव देखने मिला है। दोस्तों आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 925 से 1160 तक का एक शार्प मूव देखने मिला दोस्तों, जिसमें इसके दो रेजिस्टेंस भी थे। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था दोस्तों, पहले रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक डाउन किया, उसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस पर ये गया, बट वहाँ से दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल हुआ और ये कंसोलिडेशन में आ गया। दोस्तों आप देख सकते हैं, वहाँ से ये कंसोलिडेशन में आया, उसके बाद यहाँ पर इसने वापस से ट्राई किया तोड़ने का, बट वहाँ पर भी वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद यहाँ पर वापस से ट्राई किया तोड़ने का, बट वहाँ पर भी अनसक्सेसफुल रहा। तो वहाँ पर भी अनसक्सेसफुल रहा, उसके बाद दोस्तों वापस ने 4 टाइम इसने ट्राई किया, और वहाँ पर एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ दोस्तों ब्रेकआउट दिया है, और जो अभी स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है। मे बी दोस्तों अभी कुछ दिनों तक यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद ये स्टॉक वापस से ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाला है ये। तो दोस्तों हम आ गए अपने दूसरे स्टॉक पर, जिसका नाम है एल्कम लैब लिमिटेड्स।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हमने लगाया है वन डे का चार्ट और सेम चीज़ 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेजेस यूज़ करेंगे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, जब तक हम 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में एक राउंडिंग बॉटम बनाया दोस्तों, आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बनाया है यहाँ पे एल्कम ने, एक राउंडिंग बॉटम बनाया दोस्तों। राउंडिंग बॉटम जो होता है वो बहुत ही अच्छा एक पैटर्न होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था दोस्तों, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक किया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सक्सेसफुली ब्रेक किया है। मार्केट में भी अब थोड़े दिन तक कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद एक नया हाई बनाएगा दोस्तों, और उसके बाद हाई बनाता ही जाएगा। अब ये कितना हाई बनाएगा ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, पर दोस्तों आप लोग प्लीज़ इसके ऊपर नज़र रखिए और देखते रहिए। जब भी मौका मिले दोस्तों इसे खरीदिए और इसमें प्रॉफिट लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आगे अपने थर्ड और लास्ट स्टॉक पर जिसका नाम है लुपिन फार्मा। लुपिन फार्मा में भी हमने लगा रखा है वन डे का चार्ट, उसके साथ हम यूज़ करेंगे 30 डे मूविंग एवरेजेस और 50 डे मूविंग एवरेजेस। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं लुपिन फार्मा में क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। लुपिन फार्मा में दोस्तों आप देख सकते हैं 30 डे ने 50 डे मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, और क्रॉस ओवर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रैली मिली हमें, बहुत ही अच्छा अप मूव देखने मिला यहाँ पर। यहाँ पर आके अपने रेजिस्टेंस पर वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ दोस्तों, वहाँ से वो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। बट दोस्तों सवाल ये है कि यहाँ से लुपिन फार्मा जो है क्या वो इसे 1243 के जो इसका रेजिस्टेंस है, क्या वो इसे ब्रेक करेगा या वो यहाँ से नीचे आएगा। अगर दोस्तों 1243 के रेजिस्टेंस को लुपिन फार्मा अगर ब्रेक करता है तो हमें जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो मिलेगा, हमें 1392 का हमें टारगेट देखने मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ से लुपिन फार्मा इसे ब्रेक करके नीचे आता है और अपने 30 डे मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लेता है तो दोस्तों ये मार्केट हमें फिर से मौका दे रहा है खरीदने का शेयर और प्रॉफिट बनाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बताए वो सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।